जय हिंद। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का कुछ सवाल जो है देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग जो है 11th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी का थोड़ा सा शुरुआत करके और फिर जो है आगे की ओर हम लोग चलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको सब्जेक्टिव के रूप में हर एक ईयर जो है आता ही आता है, इसलिए उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक रूप से इसमें ज्यादा कुछ नियम नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 80% जो पोर्शन है वह हम लोग पढ़ चुके हैं इसका 11th क्लास में। 20% पोर्शन ही यहां पढ़ना है, लेकिन फिर भी पूरा जो है आपको पढ़ा देते हैं, जितना से शुरू है वहां से पढ़ा देते हैं। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में मूल रूप से जो आपको इनइक्वालिटी आता है वह आपको एग्जाम में 2 वेरिएबल का आता है। जैसे पहले हम लोग 1 वेरिएबल का समझते हैं, जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इसका समझते हैं हम लोग 1 वेरिएबल का। एग्जाम में आता है 2 वेरिएबल का, जिसमें एक्स और वाई दोनों रहता है, तो इसका हम लोग ध्यान देंगे। जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हम लोग जो लाइन खींचेंगे वह खींचेंगे चतुर्थांश के नियम के अनुसार एक्स इक्वल टू 0 का और वाई इक्वल टू 0 का। ये हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक्स इक्वल टू 0 आप जान रहे हैं, पहले एक्स इक्वल टू 0 थी पूरा हो गया वाई एक्सिस, और वाई इक्वल टू 0 हो गया एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस का समीकरण है एक्स बराबर 0 और एक्स एक्सिस का समीकरण है वाई बराबर 0। ठीक है, ये सब आप पहले ही से जानते हैं। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि वैसा क्षेत्र, एक्स इक्वल टू 0 का लाइन यह है, वैसा क्षेत्र जो इससे बड़ा है, इससे बड़ा और बराबर है। तो बराबर का मतलब हो गया यह लाइन, ठीक है, और बड़ा का मतलब हो गया यह। इस तरह से हम लोग 11th क्लास में भी कर चुके हैं। अब बात को देख लीजिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू 0 से बड़ा का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए इस तरह से। और ये तो एरो के रूप में हम लोग मूल रूप से दर्शाते हैं, ये हो गया एक्स इक्वल टू 0। यह जो क्षेत्र हो गया यह क्षेत्र, यह हो गया क्षेत्र आपको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब इसी में अगर लेस देन पूछेगा तो लेस देन का मतलब आपको समझना है कि इसके पीछे, मतलब बड़ा एक्स किधर होता है, एक्स जो बड़ा होता है वह इधर साइड में होता है, मूल बिंदु से इधर हम लोग जाते हैं तो एक्स बढ़ने लगता है, मूल बिंदु से इधर जाते हैं तो एक्स घटने लगता है। तो अगर आपको लेस देन पूछेगा तो आप इधर की ओर खींच दीजिएगा। वाई ग्रेटर देन 0 तो वाई इक्वल टू 0 का लाइन यह है, वाई इक्वल टू 0 का लाइन हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का समीकरण होता है वाई इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर, ग्रेटर देन का मतलब हो गया ऊपर, तो ऊपर हम लोग जब लाइन बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, यहां पर देखिए इस तरह से हो गया, और यह हो जाएगा कॉमन, इसमें यह हो गया कॉमन, कॉमन क्षेत्र, यह हो गया कॉमन क्षेत्र। नहीं, मतलब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का कॉमन क्षेत्र हो गया प्रथम चतुर्थांश, यह पूरा क्षेत्र जो है प्रथम चतुर्थांश वह होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो 11th क्लास पढ़े हैं उनको पता है, उसमें बताया गया है, खैर बात की बात है, अगर नहीं भी पता हो तो आप बात को समझ लीजिए। एरो से हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, तो मतलब इस तरह से आपको बनाना नहीं है, आपको एरो के रूप में दर्शाना है। जैसे कि आप इस तरह से बना लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब यह हो गया एक्स इक्वल टू 0 और यह हो गया वाई इक्वल टू 0,
तो x ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ कि x x इक्वल टू जीरो से बड़ा, तो एरो आप दे दीजिए इस तरह से, ठीक। इस तरह से जब एरो दे दिया है, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो जीरो से बड़ा और बराबर है। y इक्वल टू जीरो x एक्सिस का समीकरण है, तो इससे बड़ा का मतलब हो गया कि आप ऊपर की ओर बना लीजिए। तो दोनों का कॉमन देख लीजिए क्षेत्र कौन हो गया, तो दोनों का कॉमन क्षेत्र हुआ प्रथम चतुर्थांश। तो यह वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का आएगा आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, y ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ये सब भी आ जाता है। तो उसको बनाने के लिए जो भी रहेगा x इक्वल टू थ्री का लाइन का खींचेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं या आप जो है इसको समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो तो आपको सब क्वेश्चन में रहेगा। तो सब क्वेश्चन में रहने का मतलब है कि आप समझ लीजिएगा कि यह प्रथम चतुर्थांश का में कॉमन क्षेत्र जो होता है वह आपको x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो के रूप में आएगा, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश आप समझ रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश का जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की भाषा में फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो होगा वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि बनाना है आपको कि x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, y लेस देन इक्वल टू फोर, इस तरह से बनाना है। एग्जाम में आ भी जाता है, तीन तीन लाइन जब देता है तो x इक्वल टू थ्री, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री का मतलब हुआ कि सबसे पहले x इक्वल टू थ्री खींचिए। यह वन वेरिएबल का लाइन है, तो x इक्वल टू थ्री आप कैसे खींचिएगा, तो देख लीजिए x इक्वल टू थ्री, यह हो गया जीरो वन टू, यह हो गया थ्री, यह हो गया x एक्सिस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस के समानांतर जो लाइन होता है वह x बराबर होता है। तो x बराबर तीन कहां खींचाएगा, तो x एक्सिस पर देखिए वन टू थ्री, इस पर खींच दीजिए आप सीधे सीधे, स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और इसको आप खींच दीजिए, x इक्वल टू थ्री आपको यहां हो गया। अब आप बताइए कि यहां पर बड़ा है तो x बढ़ता किधर की ओर है, x का जो क्षेत्र है वो बढ़ता है दाईं ओर और घटता है बाईं ओर, तो आप एरो दिखा दीजिए इधर की ओर। इसका मतलब हो गया कि यह जो क्षेत्र आप दिखा रहे हैं वह हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यह हो गया x ग्रेटर देन, मतलब आपको जो बोला जा रहा है उसका सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद बड़ा x किधर की ओर बढ़ेगा, दाईं ओर, और घटेगा किधर की ओर, बाईं ओर। y किधर बढ़ेगा, ऊपर की ओर, और घटेगा किधर, नीचे की ओर। यह तो बहुत सिंपल चीज है। अब जैसे यहां पर y लेस देन इक्वल टू फोर का आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, आप स्केल से बनाइएगा और ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो एकदम आपको स्पष्ट बनेगा, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। हमको थोड़ा सा यहां दिक्कत है, स्केल नहीं है और ठंड होने के कारण हाथ भी सीधा नहीं जा रहा है। तो y इक्वल टू फोर, वन टू थ्री फोर, तो y इक्वल टू फोर का समीकरण होगा x अक्ष के समानांतर y एक्सिस पर x अक्ष के समानांतर y एक्सिस पर जो समीकरण होगा, देखिए y एक्सिस पर x अक्ष के समानांतर, देखिए यह हो गया y इक्वल टू फोर। y इक्वल, ये सब तो आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि x इक्वल टू का समीकरण क्या होगा, y का क्या होगा, ये सब तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। अब आपको लेस देन और ग्रेटर देन का सिर्फ मतलब आपको आना चाहिए। तो लेस देन का मतलब हुआ जिस जो आपको y का लेस देन है तो बाईं ओर, ठीक है, y का लेस देन है तो आपको नीचे की ओर, और y का ग्रेटर देन है तो ऊपर की ओर। x का
ग्रेटर देन है तो दाईं ओर एक्स का एक्स घटेगा बाईं ओर बढ़ेगा दाईं ओर, वाई बढ़ेगा ऊपर की ओर घटेगा नीचे की ओर। तो यह कहां की ओर घटेगा तो नीचे की ओर घटेगा, यह आपको देख लीजिए, देखिए यह हो गया जो क्षेत्र हो गया वाई लेस देन इक्वल टू फोर का क्षेत्र हुआ, ठीक है, नीचे की ओर एरो कर देना है। ठीक, इतना बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे टू वेरिएबल की ओर, टू वेरिएबल की ओर चलेंगे कि टू वेरिएबल में मुख्य रूप से टू वेरिएबल का ही हम लोग को सब पढ़ना है और ज्यादा इस पर नियम की ओर हम लोग ज्यादा नहीं चलेंगे। बहुत सिंपल सवाल आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का समीकरण खींच लीजिए और लेस देन और ग्रेटर देन कर लीजिए, जो कॉमन क्षेत्र होगा वही आपको फिजिबल रीजन होगा, उसी से आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना पड़ता है, वो आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल में है कि सबसे पहले देखेंगे जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, जो समीकरण मूल बिंदु से गुजरते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बनाना है। जैसे पहला हम लोग खींचते हैं कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा खींचते हैं कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले हम लोग खींचेंगे x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा खींचेंगे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले इसका हम बना रहे हैं फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इस तरह से आपको लिखना है, मतलब एक्स बराबर वाई, माइनस इधर चला गया वाई, मतलब वाई बराबर एक्स का समीकरण खींचना है आपको। तो वाई बराबर जब एक्स का समीकरण खींचना रहेगा तो आप क्या करेंगे कि उसको मूल बिंदु से गुजारेंगे। आपको इसके अगर आप जानते ही हैं कि y बराबर x का जब समीकरण खींचना है तो आप क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से गुजारेंगे ओरिजिन से, y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x, जो भी आपको मिल जाए, y बराबर x बाय 2, y बराबर x बाय 4, जो भी ग्राफ मिलेगा उसको आप मूल बिंदु से गुजारेंगे। मूल बिंदु यहां है, इधर से आपको बीचे बीच जो है आपको पास कर देना है मूल बिंदु से। देखिए यह जो समीकरण हो गया, यह हो गया आपको y बराबर x का, यह जो समीकरण है यह y बराबर x का है आपको। ठीक, अब इसमें आपको खींचना है कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, इधर गया तो y, मतलब बढ़ किधर की ओर रहा है तो x की ओर। अब देख लीजिए तो x किधर की ओर बढ़ेगा, तो x जो बढ़ता है जैसे यह बीचो बीच लाइन है, पहले हम लोग सीधे सीधे लाइन खींच रहे थे, अब जो लाइन आपको आ रहा है वह बीचो बीच लाइन जा रहा है, और उसके पहले या तो आपको बाईं ओर जा रहा था या तो दाईं ओर जा रहा था, या तो ऊपर हो रहा था या तो नीचे हो रहा था। अब जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं वह आपको बीचों बीच लाइन जा रहा है, तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें किधर की ओर बढ़ रहा है, तो x की ओर बढ़ रहा है। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब x की ओर बढ़ रहा है, तो x किधर की ओर, बीचों बीच इधर है, तो x किधर की ओर बढ़ेगा, तो ये आपका लाइन है और इधर की ओर x बढ़ेगा, मतलब इस तरफ x इधर की ओर बढ़ता है, यह आप भी जानते हैं मूल बिंदु से x इधर की ओर बढ़ेगा और घटेगा इधर की ओर। ठीक, इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक ना, यह हो गया आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यह हो गया, ठीक है। अब उसका खींचेंगे तो इसी के जस्ट विपरीत आपको खींच देना है लेस देन इक्वल टू, तो आपको
एक्स देखिए यह हो गया, यहां भी वही है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर वाई नहीं तो वाई बराबर एक्स का आपको समीकरण हो गया मूल बिंदु से, वाई बराबर एक्स रहे, वाई बराबर टू एक्स रहे, वाई बराबर थ्री एक्स रहे, जो भी आपको समीकरण आएगा उसको मूल बिंदु से गुजारना है ठीक। यहां आप देख लीजिए यहां भी आपको जो खिंचाएगा तो इसमें आप वाई को इधर की ओर कर दीजिए तो ये आपको लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, देखिए समझ रहे हैं, माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई हो गया, तो इसमें क्षेत्र किधर की ओर बढ़ेगा तो वाई की ओर बढ़ेगा, तो वाई एक्सिस यहां है तो वाई की ओर बढ़ेगा, तो वाई देखिए किधर है तो इधर की ओर है, देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इधर की ओर नहीं, और एक्स लेस देन, एक्स जो है लेस देन इक्वल टू वाई मतलब वाई की ओर बढ़ रहा है, तो वाई किधर बढ़ेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर आपको ये आपको देना है इधर की ओर ठीक है। इस तरह से यह आपको जो हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू वाई मतलब एक्स वाई से छोटा है, तो यह तब है जब आप बीचों बीच लाइन को गुजारते हैं, तब विशेष जब आपको दो दो तीन तीन सवाल एक में आएगा तब हम लोग इसको मूल रूप से समझेंगे और अच्छा से, और इसके बाद जो है आपको बनाने के लिए मिलेगा। यह मूल रूप से यह बेसिक नियम कम से कम इतना है कि अगर इतना आप जान रहे हैं तो फिर हम लोग टू वेरिएबल, ये भी टू वेरिएबल का है लेकिन इसमें इक्वल टू में जीरो है, अब जो सवाल हम लोग बनाएंगे उसमें इक्वल टू में जीरो नहीं रहेगा, उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन के समीकरण को खींचेंगे, तो उसको हम लोग कैसे खींचेंगे उसको देखते हैं। इसको आप उतार लेंगे और ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, एग्जाम में ग्राफ पेपर पेंसिल का यूज करना है, और एक पांच नंबर का सवाल ऐसा सवाल है जो आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही शुद्धता के साथ आपको पांच नंबर मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में है कि जिसमें आप बनाना प्रयास करी किए लेकिन नहीं बना और इधर आपको आसानी से बन जाएगा, तो इसलिए आपको प्रयास करना है कि आराम से बन जाए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें एक सिंपल सवाल से हम लोग अच्छे सवाल की ओर चलते हैं जिसको कि आपको बनाना है। जैसे सवाल जो एग्जाम में आता है वह आपको बहुत सिंपल आता है, ज्यादा या तो टू वेरिएबल का आया या तो फिर दो लाइन के समीकरण के रूप में आया या तीन लाइन के समीकरण के रूप में आया, बस ज्यादा इस तरह से आता है, ज्यादा मतलब इस तरह के सवाल आपको नहीं पूछता है कि ज्यादा आप फंस जाए, ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाए, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है। हम कुछ क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, तीन चार तक लाइन का भी बना देंगे, देखिए क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से कि मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए मतलब मिनिमम वैल्यू निकालिए, जो यह जेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड बराबर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई, इस पर मिनिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, सब्जेक्ट वह दिया हुआ है आपको एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू एट, 3x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है। इसी पर आपको मिनिमाइज करना है मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू जब भी निकालते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर पर निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है उसी पर हम लोग
मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और सब्जेक्ट दिया हुआ था, इसमें मूल रूप से जो आपको लाइन खींचना है वो दो है, एक दो, ठीक। तो आप तो जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का समीकरण होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर वन। एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है, वाई इंटरसेप्ट अगर बी है, तो लाइन का समीकरण किस तरह से खींचाता है, देखिए, ए एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, और यह है मूल बिंदु जीरो जीरो, मूल बिंदु। एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, ठीक है, इस तरह से लाइन खींचना रहता है। आपको ग्राफ पेपर पर बहुत आसानी से बन जाएगा, जहां भी आपको बोला जाएगा, जैसे यहां पर बना के हम दिखाते हैं कितना आसानी से बनता है। ग्राफ पेपर पर जो भी आपको रहेगा आसानी से बनाइए, लिख लीजिए और बनाइए। देखिए, जैसे कि आपको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, चूंकि पांच नंबर लाना है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज, फर्स्ट लाइन इज एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट, ठीक। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लाइन का समीकरण खींचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आरएचएस में वन होना चाहिए, और आरएचएस में यहां पर है एट, तो आप एट से भाग दे दीजिए, और एक्स बटा आठ प्लस वाई बटा आठ से भाग देंगे तो हो जाएगा चार बराबर वन, ठीक है। तो पहले इसका खींच लीजिए, देखिए, तो आप जो है प्रथम चतुर्थांश का जो क्षेत्र है उसका उसको ज्यादा लिखिए, क्योंकि इसमें निगेटिव तो आएगा नहीं, तो आप ज्यादा प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्र को ही आप जो है प्रयास कीजिए ज्यादा बनाने के लिए। देखिए, प्रथम चतुर्थांश, देखिए प्रथम चतुर्थांश ज्यादा हम लोग ले लिए हैं क्योंकि आठ तक भी लेना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आपको और आसानी है। इसलिए आसानी है क्योंकि आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, पेंसिल से बनाना है, स्केल का प्रयोग करना है, तो यह सब लिखना बहुत आसान है ग्राफ पेपर पर। इधर भी हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और यह वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट आठ है, एक्स अक्ष पर कितना काट रहा है आठ, तो आठ आप यहां पर एक बिंदु दे दीजिए, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट फोर है, तो वाई इंटरसेप्ट फोर कहां है, तो यहां है, देखिए वाई इंटरसेप्ट फोर है और एक्स इंटरसेप्ट एट है। आप क्या कीजिए, बस यही आपको देखना है, लाइन आसानी से खींचा जाएगा। एक्स पर अंतःखंड काट रहा है आठ और वाई पर चार, आप ये नया नहीं बना रहे, पहले से भी कई बार बना चुके हैं, तो एक्स आप स्केल लीजिए इसको और इसको मिला दीजिए, आप स्केल लेके और इसको मिला दीजिए, आपको मिलाना ज्यादा आसानी है, हमको मिलाना थोड़ा कठिन है। आप इसको मिला दिए और इसको लिख भी दीजिए कि यह जो लाइन है x प्लस टू वाई इक्वल टू एट का है, x प्लस टू वाई इक्वल टू एट का है, ठीक है। और बाद में हम लोग इसका पॉइंट भी लिख दिया, लिख सकते हैं यहां पर कि a बिंदु एट जीरो है और b बिंदु यहां पर y एक्सिस पर है, इसलिए x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जीरो और फोर है। a x एक्सिस पर है इसलिए y निर्देशांक शून्य और आठ पर है, इसलिए आठ लिख दिए हम लोग। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या है, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व। तो अब इसमें कितना से भाग दीजिएगा, तो बारह से, तो बारह से भाग देंगे तो एक्स बटा हो जाएगा फोर,
y बटा 6 12 से भाग दिए बराबर 1। तो x इंटरसेप्ट आप देख लीजिए कि 4 है, x इंटरसेप्ट x पर अंतःखंड काट रहा है 4 और y पर अंतःखंड काट रहा है 6। x इंटरसेप्ट 4, x पर अंतःखंड काट रहा है 4 और y पर 6, y पर 6 यहां है और लाइन आप खींच दीजिए, खींचा गया ठीक है। तो यह हो गया आपको लाइन का समीकरण हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 ठीक। और इसको आप C मान लीजिए, C पॉइंट हो जाएगा 40 और इसको D मान लेंगे तो इसको हो जाएगा 0 और 6, यह हो जाएगा 0 6 ठीक है। अब एकदम सिंपल बात है, अब आप देखिए कि दोनों लेस देन है, x प्लस 2y लेस देन, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 8 यहां है ग्राफ, देखिए यह जो ग्राफ है x प्लस 2y इक्वल टू 8 का ग्राफ है। तो लेस देन का मतलब हुआ कि इससे नीचे की ओर क्षेत्र, लाइन से नीचे की ओर, और ग्रेटर देन की मतलब लाइन से ऊपर की ओर, लाइन से नीचे की ओर का क्षेत्र, और यह हो गया लाइन से ऊपर की ओर, कब जब ग्रेटर देन रहेगा तब। तो यह पूरा पार्ट जो है वह 8 से छोटा है, तो किधर की ओर इसका एरो देंगे हम लोग, नीचे की ओर, नीचे की ओर एरो दे दिए ठीक है, इस तरह से एरो दे देना है, ज्यादा एरो भी नहीं देंगे इसलिए कि यह खराब दिखने में लगेगा, एकदम स्पष्ट दिखने में लगना चाहिए ताकि बहुत आसानी से बना सके। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो यहां भी वही बात है, 3x प्लस 2y यह लाइन हुआ और लेस देन की बात हुआ तो इससे नीचे की ओर, और ग्रेटर देन तो इस लाइन से ऊपर की ओर, इस लाइन से नीचे की ओर, कब जब लेस देन रहेगा और ग्रेटर देन रहेगा तो इस लाइन से ऊपर की ओर का क्षेत्र रहेगा, यह आपको नीचे की ओर हो गया ठीक है, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया ठीक है। अब आप देख लीजिए, हालांकि इसको आपको जरूरत नहीं है बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में बना दे रहे हैं, बाकी हम इसके पीछे ही बना चुके हैं कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि प्रथम चतुर्थांश का पूरा क्षेत्र है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि प्रथम चतुर्थांश का पूरा क्षेत्र को आप जो है कर लीजिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, देखिए x इक्वल टू 0 का तो यह समीकरण हुआ, यह हो गया y इक्वल टू 0 का, तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बढ़ रहा है दाई ओर, तो दाई ओर एरो इधर की ओर देंगे ऐसे, देखिए इस तरह से, और y बढ़ेगा ऊपर की ओर, इस तरह से दे देंगे एरो। अब आप हमको बताइए कि चारों एरो का कॉमन क्षेत्र कौन है, तो यह है, यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं है, तो चारों एरो का कॉमन क्षेत्र यह है नहीं, कौन कौन बिंदु से मिलकर बनता है, ओ सी, और इसको क्या करना है कि पेंसिल से थोड़ा चला देना है 2-3 बार ताकि यह क्षेत्र स्पष्ट पता चले। इसको मान लेंगे पी, पी बिंदु निकालेंगे हम लोग, और यह हो गया आपको बी, बी बिंदु आपको 0 और 4 है, और इस तरह से हम लोग पेंसिल को चला देंगे ठीक है, आप देख ही रहे हैं इस तरह से पेंसिल को हम लोग चला देंगे ठीक है। तो P बिंदु सबसे पहले निकाल देंगे, ऐसे तो आपको दिख भी जाएगा सामने क्या है, इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, आप बनाइएगा जब फिगर में ग्राफ पेपर पर, तो उसके सामने आपको स्पष्ट दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको निकाल लेना है कि पी पॉइंट, पी पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए यह तो निकला हुआ है ओ पॉइंट 0 0, ओ मूल बिंदु 0 0, ओ जो पॉइंट है वो 0 0 है, सी पॉइंट आपको आसानी से पता है 4,0 है, और बी पॉइंट भी पता है आपको नहीं, तो फिजिबल रीजन जो हुआ आपको, फिजिबल रीजन वह आपको हो गया रीजन इक्वल टू ओ सी पी और बी, ओ सी पी और बी, यह क्षेत्र हुआ कॉमन क्षेत्र
जो चार बिंदु से मिलकर, चार बिंदु से घिरा हुआ है, ओ सी पी और बी। देखिए इस तरह से चार बिंदु आप इसका निकाल लीजिए, तो ओ तो दिया हुआ, सी भी दिया, बी तो पी निकाले। बी पी जो है दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है, यह लाइन और यह लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इस लाइन को अगर हम फर्स्ट मानते हैं और इस लाइन को हम लोग सेकेंड मानते हैं, ठीक है, इस लाइन को फर्स्ट मानते हैं, इस लाइन को सेकेंड मानते हैं, तो आप हमको बताइए कि प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो उससे हम लोग के एक्स और वाई पॉइंट निकलेगा। कौन कौन लाइन को? तो फर्स्ट लाइन को सॉल्व करेंगे, और कौन लाइन को सॉल्व करेंगे? तो सेकेंड लाइन को सॉल्व करेंगे। चूंकि हम लोग के पास टाइम ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा इसमें, एक सवाल आता है और ऑब्जेक्टिव सब कभी आता है या नहीं भी आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। किताब में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, अब उसको उतना गहराई से पढ़ाने लगे तो बहुत दिक्कत है, गहराई में नहीं जाना। हम लोग को सिंपल आपको लाइन खींचने आना चाहिए, जो मूल रूप से सवाल आता है उस पर फोकस करना है, क्योंकि इसके पहले ही हम लोग को बहुत सारा चीज प्रॉब्लम भी हो चुका है, चलते चलते कोचिंग बंद हो गया, रिवीजन करा ही रहे थे, चल भी रहा था, थोड़ा सा और दिन टाइम मिलता तो कुछ और बेहतर होता, इसलिए ज्यादा हम लोग को अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं देना है। टू द पॉइंट हम लोग को जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद है कि यही टू लाइन का ही कोई भी डाटा केवल बदलेगा, लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा, उम्मीद तो यही है। लेकिन विभिन्न प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा उस सारा क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, कम से कम 5-6-7 क्वेश्चन जरूर बता देंगे, जिससे कि आप बना सके। तो अब हम लोग इसको फर्स्ट और सेकेंड जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड लाइन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन इसको देखिए मिटा देते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में जो है वह क्या है यह भी बताते हैं। हमारे तो फर्स्ट लाइन आपका हो गया एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट, और सेकेंड लाइन हो जाएगा 3x प्लस टू वाई इक्वल टू 12। तो आपको आसानी से विलोपन विधि से देखिए कैंसिल हो गया, ये माइनस 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 कट गया, यह हो गया आपको माइनस 2x और माइनस 4, तो x बराबर आपको 2 आ गया। उसी तरह x का वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, सिंस x प्लस 2y इक्वल टू 8, x का वैल्यू 2 रखिए, प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3। देखिए आपके सामने यहां पर भी देखिए, देखने से ही लग रहा है कि यहां पर 2 है और इधर 3 है, ये पॉइंट हो गया 2 और 3। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो करना यह है कि जो चारों पॉइंट है O, C, P और B, चारों बिंदु को हम लोग रखेंगे पारा पारी, कहां रखेंगे? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जेड, वहीं पर हम लोग चारों बिंदु को रखेंगे। अब इसको उतार लेंगे, हम चारों बिंदु को हम रख रहे हैं पारा। तो चारों पॉइंट रखेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जेड इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y, तो पहले आप रखिए मूल बिंदु 0 0, तो z बराबर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0। फिर रखेंगे हम लोग सी पॉइंट रखेंगे हम लोग, तो सी पॉइंट हो जाएगा 4 0, तो z बराबर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 12। फिर हम लोग रखेंगे p 2 3, तो z बराबर 8, z बराबर हो जाएगा आपको माइनस 3 इंटू x के जगह पर 2 प्लस 4 इंटू y के जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 6 6। और डी के सर डी पॉइंट हम लोग लिखेंगे 0 6, डी नहीं यहाँ पर बी है, फिजिबल रीजन से घिरा जो पॉइंट है उसी को लिखेंगे बी पॉइंट। देखिए ओ सी बी पी और बी चारों पॉइंट को बैठा देंगे, तो बी पॉइंट हो जाएगा 0 4
तो z बराबर हो जाएगा आपको माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू फोर इक्वल टू 16। अब जो घेरा क्षेत्र जो पॉइंट है आपको चारों को बैठाने पर देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या आता है। मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज आपको करना है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें देखिए या जीरो है या माइनस ट्वेल्व है या सिक्स है या 16 है, तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या है तो माइनस बारह। कौन पॉइंट पर? एट सी 4.0। बस यही आपका आंसर हो गया मिनिमम वैल्यू। इतना दूर तक अगर आप करते हैं तो आपको पांच नंबर आसानी से आ जाएगा। बात समझ गया? मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम, अगर मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम 16 हो जाएगा। कौन पॉइंट पर? तो जीरो और चार पर। तो इस पोर्शन का लगभग 70% 11th क्लास में भी हो चुका था, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे वो बात को समझ लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बैंक में जो सवाल है वो करेंगे। अगर नहीं भी है तो फिर भी हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। कम से कम इतना आप जरूर कीजिए और अगला वीडियो में हम आपको बाकी जो शेष सवाल है उसको हम पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो आप कम से कम यह सवाल लिखिए, आपको मैक्सिमाइज करना है, जेड बराबर 3x प्लस 2y, प्लस 2y 3x प्लस y 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक का सवाल आप निकाल के बना सकते हैं। वह सवाल बनाइए जिसमें दो लाइन का दिया हुआ, ठीक है? विशेष हम अगले क्लास में इसको पूरी तरह से, दो क्लास लगेगा तो अगले क्लास में इसको हम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग आपको, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।